कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर की बूटिंग है, बूटिंग यानी कि कंप्यूटर का स्टार्ट होना, उससे रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके आप जवाब कैसे दोगे। ठीक है, बूटिंग क्या है कि जैसे ही आपने पावर बटन प्रेस किया, कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो आप पावर बटन दबाते हो। ठीक है, जैसे ही आपने उसका पावर बटन किया तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है वो होता है आपका सीपीयू, क्योंकि सारा काम तो सीपीयू को करना है, सीपीयू को कंट्रोल करना है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा काम इस सीपीयू को करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपने पावर बटन दबाया, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, बिजली मिली, तो सीपीयू सबसे पहले जाएगा रोम मेमोरी के पास। इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, ये आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो सीपीयू है वो संपर्क किससे करेगा, सबसे पहले रोम से, रीड ओनली मेमोरी से। यहां से इसको दो प्रोग्राम मिलते हैं, एक होता है बायोस और एक होता है पोस्ट। एक होता है बायोस, एक होता है पोस्ट। ये दो प्रोग्राम ये रन करता है। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए इनका काम क्या है, पोस्ट के तो नाम से ही पता चल रहा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, पावर ऑन होता है, ये उसकी टेस्टिंग करता है, चेक करता है कि जो रैम है और जो चीजें हैं आपकी, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, वो सभी सही है या नहीं है, या फिर उसको जो चलाने के लिए जो चीजें चाहिए, उपकरण है, जो हार्डवेयर, वो ढंग से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बायोस क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो कंप्यूटर को पूरी तरह से चलाने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसका मेन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पर अभी इस जगह तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया नहीं है मेमोरी के अंदर, तो उस केस में कुछ चीजें तो हमें चलानी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड होता है या स्क्रीन पे आपको ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कमांड्स दिखती हैं, वो चीजें, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको जो चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है, जैसे कि पेन ड्राइव आप लगाते हो, यूएसबी पोर्ट हो गया आपका, या फिर सीडी मॉनिटर, जो भी बेसिक चीजें आपको चाहिए उनको ये चलाता है टेम्परेरी, अस्थायी तौर पे। आप ऐसा बोल सकते हो कि अस्थायी तौर पे इनपुट आउटपुट चीजों को ये एक बार चलाता है, उसके बाद तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है सारा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों प्रोग्राम चल चुके होते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर सीपीयू जाता है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें जाता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी सहायक मेमोरी में जाता है, वहां से इस मेमोरी से उठाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, मुख्य सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप बोल सकते हो इसको मेन या मुख्य सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब आगे सारा काम इसी का है, तो इसको यहां से उठाएगा और कहां पे लेके जाएगा, रैम के अंदर। ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा और कहां पे रख देगा, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। जैसे ही ये यहां रख देगा, अब सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। तो हम मानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बूट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पर अब इस पे कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि जो ये रोम से बूटिंग का काम कर रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है किसके अंदर, रैम मेमोरी में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सारा कंट्रोल ले लेता है, फिर हम ये मानते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, कई बार पूछा जाता है कि सीमोस क्या होता है। सीमोस आपकी जो रोम मेमोरी है उसको बोल देते हैं कई बार। तो ये क्या होता है सीमोस, आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक डिवाइस होती है जिसकी रॉ मेमोरी बनी होती है, इसमें आपके प्रोग्राम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीमोस और ये बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बूट हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा दो चीज़ें और पूछी जाती हैं, सॉफ्ट बूट, वार्म बूट, या फिर हार्ड बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ये क्या चीज़ है। बूटिंग तो था आपके कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ठीक है, और ये जो कोल्ड बूट है, हार्ड बूट है, ये क्या है कि कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करना, यानी चलते हुए कंप्यूटर को एक बार हमें रोकना है, उसको फिर से ऑन करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं रीबूटिंग बोल देते हैं, या फिर ये कोल्ड बूट और हार्ड बूटिंग बोल देते हैं, ठीक है। हार्ड बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, हार्ड को हम वार्म भी बोल देते हैं, गर्म, ठीक है, सॉफ्ट को दूसरा नाम, इसको हम कूल, ठीक है, या सॉफ्ट भी बोल देते हैं या कूल बूटिंग भी बोल देते हैं, ठंडी बूटिंग, दोनों में अंतर क्या है आपको ये समझना है। हार्ड बूटिंग क्या होता है कि हम फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली या फिर जबरदस्ती कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, यानी दोबारा से ऑन करें जबरदस्ती। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है या काफ़ी टाइम ले लेता है, तो हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं ज़बरदस्ती, यानी कि जितना वो काम कर रहा होता था उसको वो कहीं भी सेव कर नहीं पाता, ना ही हम कोई चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करते हैं, हम सीधा उसको ऑन कर देते हैं, इससे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि अगर हम ऐसा बार बार करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है, ख़राब हो सकता है। दूसरा, जो हमारी फाइलें हैं यानी जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे, जैसे हो सकता है हम कुछ टाइप कर रहे हो या फिर हम कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई गाने सुन रहे हो, तो जो वो फाइलें हैं आपकी, पिक्चर्स वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो करप्ट हो सकती हैं, यानी कि खराब हो सकती हैं। तो ये इसका नुकसान है हार्ड बूटिंग का, ठीक है। पर कई बार क्या है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, तो उस केस में हमें करना भी पड़ जाता है। लेकिन कई बार हम एक शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल एल्टर प्लस डिलीट, इससे हमारा एक टास्क विंडो खुल जाती है, या फिर टास्क मैनेजर भी बोल सकते हैं। इस विंडो का काम क्या होता है कि जितने हमारे काम चल रहे होते हैं, जितने काम कंप्यूटर कर रहा होता है, वो हमें दिखा देता है, और अगर कोई ऐसी कोई प्रोसेस है या कोई ऐसा काम है जो दिक्कत दे रहा है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। अगर अगर ये भी ना खुले, ये भी काम ना करे, तो फिर तो हमें उसको ज़बरदस्ती ऑफ करके ऑन करना ही पड़ता है, वो चाहे हम पावर बंद करके करें चाहे रिस्टार्ट का बटन दबाएं। सॉफ्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर या तो हम एल्ट प्लस F4 दबाएं उससे भी, या फिर हम स्टार्ट में जाके ऑप्शन में जाके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, यानी फिर से स्टार्ट करें, तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। इसका फायदा क्या है, इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी फाइल्स ओपन होती हैं वो सारी पहले क्लोज होंगी, सेव हो जाएंगी अच्छे से, फिर क्या होगा कि जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये खुद को भी सेव करेगा, इसकी जो भी फाइलें खुली हैं उनको भी सेव करेगा, यानी खुद को भी सुरक्षित करेगा, इन फाइलों को भी सुरक्षित रखेगा, सेव करेगा मेमोरी में, उसके बाद ही रिस्टार्ट करेगा। तो फायदा किस में है, सॉफ्ट बूटिंग में।
ठीक है। पर अगर हैंग हो गया या काम नहीं करा तो उस केस में ये हम नहीं कर पाते, तो कई बार हमें ये भी करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि हमारी विंडो खराब हो गई है या विंडो करप्ट हो गई है। इसका मतलब यही होता है कि किसी ऐसा किसी कारण से वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।